नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरवर्ल्ड में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ, और आज जो है मैं एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूं महिंद्रा स्कॉर्पियो का। ये अपने सामने जो देख रहे हैं ये S5 वेरिएंट है। इसके अलावा आपको S3+, S5, S7, S9, S11 का ऑप्शन जो है मिल जाता है। सिंगल इंजन ऑप्शन के साथ आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसमें कि आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है। उसके अंदर आपको वेरिएशंस में मिल जाते हैं, 120 BHP का पावर मिल जाता है और 140 BHP का भी पावर मिल जाएगा। ये अपने सामने जो देख रहे हैं ये आप कह सकते हो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है। इसको आप लेके अपने हिसाब से मॉडिफाई वगैरह भी करवा सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके की से। इसमें जो है आपको कुछ इस तरह की एक की मिल जाती है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा, और एक नॉर्मल सी की जो है वो देखने को मिल जाती है। बेसिकली इसमें जो है आपको सेंट्रल लॉकिंग वगैरह का फीचर जो है वो नहीं मिलता है। अगर आप चाहो तो आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से भी लगवा सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पर और चेकआउट करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो हेडलैम्प की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको नॉर्मल हेलोजन का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा हाई बीम लो बीम के अंदर। DRLs वगैरह जो है इसके अंदर आपको नहीं आता है। फॉग लैंप वगैरह भी मिसिंग है इस वेरिएंट के अंदर। फॉग लैंप भी जो है आप शोरूम से भी परचेज कर सकते हो, या आफ्टर मार्केट के लिए भी जो है आप जा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग वगैरह वो भी देखने को मिल जाती है। अगर इसके ग्रिल की बात कर लें तो महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर ठीक नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप इसके स्किड प्लेट वगैरह को भी देख सकते हैं। लोअर प्रोफाइल के अंदर जो है इसमें आपको रेडिएटर ग्रिल वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया गया है बोनेट पे। इस पर इंटरनल कूलिंग के लिए आपको स्कूप वगैरह भी जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे। अब बोनेट पे जो है आपको शार्क रिच लाइन वगैरह वो देखने को मिल जाती है। सिंगल वॉशर का सेट जो है वो भी दे दिया गया है। वाइपर वगैरह वो भी मिल जाता है विंडशील्ड पे। साइड प्रोफाइल में आ जाएँ तो यहाँ पे आप व्हील आर्च पे क्लैडिंग जो है वो देख सकते हो, जो कि बॉडी कलर क्लैडिंग है। व्हील की अगर बात कर लें तो इसमें जो है आपको ब्रिजस्टोन के टायर्स जो है वो देखने को मिल जाता है। टायर प्रोफाइल वगैरह क्या है वो भी मैं आपको एक बार चेकआउट करवा देता हूँ। इस पे जो है आपको 235/65 R17 इंच का स्टील रिम जो है वो मिल जाता है। कंपनी की तरफ से जो है ये स्टील रिम ही आता है। अगर आप चाहो तो इसमें जो है व्हील कैप वगैरह लगवा सकते हो, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो वो भी देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में और आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे आपको फेंडर पे हनीकॉम मेश पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसिंग जो है वो भी दे दी गई है यहाँ पे। डोर्स की अगर बात कर ले तो इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको बॉडी कलर डोर हैंडल वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, ब्लैक आउट ही मिलेगा सब कुछ। ORVMs वगैरह जो है ये ब्लैक कलर के अंदर ही आता है, ना ही ये इंटरनली एडजस्टेबल है, ना ही आप इसे फोल्ड कर सकते हो ऑन ऑफ करने पे। और किसी भी वेरिएंट में जो है ऑटो रिट्रैक्टेबल का फीचर जो है वो महिंद्रा स्कॉर्पियो में नहीं आता है। नीचे जो है आपको फुटरेस्ट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। डोर पे आपको क्लैडिंग वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड कर दी गई है। रेयर डोर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की इम्बोजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है सिल्वर कलर के अंदर। डोर जो है ये ब्लैक आउट है, आपको ब्लैक कलर के अंदर ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आप इसके रेयर व्हील को भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अगर फ्रंट ब्रेक की बात कर ले तो इसमें जो है आपको फ्रंट के अंदर वेंटिलेटर डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाता है। रेयर के अंदर इसमें आपको ड्रम ब्रेक वो मिल जाएगा। सस्पेंशन की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको डबल विश बोन सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल जाएगा फ्रंट के अंदर। और इसमें जो है आपको रेयर प्रोफाइल के अंदर एंटी रोल बार्स वगैरह जो है वो भी मिल जाते हैं। रूफ रेल वगैरह जो आप देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको रूफ रेल वगैरह कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है, तो ये जो है लगाया गया है बाद में। और बैक प्रोफाइल में आ जाए तो यहाँ पे आप इसके टेल लैम्प को भी देख सकते हो। और टेल लैम्प जो है यहाँ पे आपको रेयर LED कॉम्बिनेशन लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये पार्ट जो है ये LED के अंदर होने वाला। और इंडिकेटर वगैरह जो है वो आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब का सेटअप वो देखने को मिलता है। रिवर्स लाइटिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। स्कॉर्पियो की इम्बोजिंग जो है वो भी देखने को मिल जाती है। बैक प्रोफाइल में आ जाए तो यहाँ पे आपको दो पार्किंग सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर जो है आपको कैमरा वगैरह वो दे दिया गया है। बेसिकली ये जो है पार्ट ऑफ एक्सेसरी ही है। रिफ्लेक्टर वगैरह जो है वो आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। माइक्रो हाइब्रिड की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे दे दी गई है। स्पेयर व्हील जो है वो आपको नीचे दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे आप इसे एग्जॉस्ट टिप वगैरह को देख सकते हो। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ। ये S5 की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। स्कॉर्पियो की बैजिंग जो है वो भी दे दी गई है। रेयर विंडशील्ड पे जो है इस पे आपको डिफॉगर या वाइपर वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलता। हाई माउंट स्टॉप लैंप जो है वो देखने को मिल जाता है यहाँ पर। स्पॉयलर वगैरह जो है वो बाद में इंस्टॉल किया गया है। इस वेरिएंट के अंदर कुछ भी नहीं आता है। और ये भी हैंडल जो है ये आपको ब्लैक कलर के अंदर ही मिलता है। यहाँ पे आपको टोइंग हुक वगैरह जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है आप इसके को ड्राइवर साइड एरिया का कंप्लीट व्यू जो है देख सकते हैं। इसके अंदर आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिल जाती है। डोर्स वगैरह जो है सब कुछ ब्लैक आउट है। कुछ इस तरीके का व्यू है अंदर का यहाँ से। चलिए चलते हैं हम उसके इंटीरियर में।
और देख लेते हैं कि इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको D40 की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी, एम हॉक वाला इंजन जो है वो भी मिल जाता है, इंडिकेटर की प्लेसिंग जो है इस साइड भी आपको देखने को मिल जाती है। तो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग इसके डोर्स की तरफ, और ये जो है आपका ड्राइवर साइड वाला डोर है, इस पर जो है आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स जो है वो देखने को मिल जाता है। एक बटन जो है आप इसे अपने विंडो ग्लास को जो है लॉक अनलॉक कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीकर की प्लेसिंग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी जो है आपको कुछ कंट्रोल्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एडल स्टार्ट स्टॉप का बटन वो मिल जाएगा, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए एक बटन जो है यहाँ पे दे दिया गया है, हेडलैम्प लेबलर वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ग्लास जो है ORVM का वो आपको इंटरनली एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ आपको नॉब दे दिया गया, उसके थ्रू जो है आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन जो है वो नॉर्मल है, फ्लैट है, कोई भी लेदर रैप्ड वगैरह जो है इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। महिंद्रा की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको दो एयरबैग्स जो है वो भी दे दिए गए हैं। बेसिकली इसमें दो ही एयरबैग आता है, एक ड्राइवर साइड एक को ड्राइवर साइड। अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वो भी जो है मैं आपको एक बार चेकआउट करवा देता हूँ ऑन करके। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो है आपको एनालॉग फॉर्म में क्लस्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। RPM मीटर, स्पीडोमीटर जो है वो दोनों ही एनालॉग फॉर्म के अंदर मिल जाता है। सेंटर में आपको एक MID जो है वो भी मिल जाती है, जिसके अंदर जो है आप वेरियस इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है अब वो गेन कर सकते हो। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो तो उधर जो है आपको टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे फीचर्स जो है वो भी मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको ABS ही मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM वगैरह जो है इसके अंदर आपको नहीं मिलता है, इसमें आपको मैनुअली डिम करना पड़ता है। सनसेट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ना ही मिरर्स मिलते हैं, ना ही टिकट होल्डर, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये वाला पार्ट भी जो है ये खाली है। अगर आप टॉप वेरिएंट के लिए जाते तो यहाँ पे जो है आपको केबिन लैंप, सनग्लास होल्डर वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिरर जो है वो मिल जाएगा को ड्राइवर साइड एरिया में। SRS एयरबैग की बैजिंग जो है वो आप देख सकते हो को ड्राइवर साइड एरिया में। स्कॉर्पियो की बैजिंग जो है वो भी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। पावर विंडो का कंट्रोल भी जो है आपको को ड्राइवर साइड दे दिया गया है। इसमें आपको हैंडल्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पे जो है आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऐप्स वगैरह जो है वो प्रीलोडेड जो है इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको YouTube वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। फ़ोन से कनेक्टेड जो भी फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग का बटन जो है वो दे दिया गया है। ब्लूटूथ भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। आप इसे ऑन ऑफ़ कर सकते हो यहाँ से, और ये जो है शोरूम की तरफ से फिट किया गया है। और अगर कंपनी की बात कर ले तो इसमें आपको कोई भी फीचर्स नहीं मिलता है। ये जो है कंप्लीट एरिया जो है ये ब्लैंक रहने वाला है अगर आप नॉर्मल इस तरीके से ख़रीदते हो तो। और यहाँ पे जो है आपको इसमें मैनुअल AC वो भी देखने को मिल जाएगा। नीचे अगर यहाँ पे आ जाए तो आप हैजार्ड लैंप के बटन्स वगैरह को जो है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की बोजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वो भी दे दिया गया है यहाँ पे। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर लीवर वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसे आप एज अ बॉटल होल्डर, कप होल्डर यूज़ कर सकते हो। हैंड ब्रेक वगैरह जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया। पीछे की तरफ जो है इसमें आपको 2 AC वेंट्स वगैरह जो है वो भी मिल जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात कर लें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है इसके अंदर। तो सेकंड रो की डोर की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी फैब्रिक फिनिशिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ग्रे फिनिश जो है वो भी ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर का स्पेस वो भी देखने को मिल जाता है। फ्लैट बेंच स्टाइल सीट जो है इसमें आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप इसके हेडरेस्ट वगैरह को चेकआउट कर सकते हो, और कंपनी तरफ से जो है आपको कुछ इस तरीके का मॉड्यूल मिलता है, जैसे इन्होंने जो है चेंज करके वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम जो है लगा दिया है। रियर के अंदर जो है इसमें आपको AC वेंट वगैरह वो भी मिल जाता। अब लेग रूम जो है वो आप देख सकते हो कि लेग रूम यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये जो आप वेरियंट देख रहे हो ये इसमें जो है पीछे आपको 4 सीटर वाला वेरियंट जो है इसमें अगर आप चाहो तो पीछे जो है आप 4 लोगों को बैठा सकते हो, तो उस वजह से जो है लेग रूम यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है कम देखने को मिलता है। केबिन लैंप वगैरह की बात कर ले तो यहाँ पे जो है आप इसके केबिन लैंप वगैरह को देख सकते हो, जो कि हेलोजन के अंदर है। और बैक प्रोफाइल में भी जो है यहाँ पे थर्ड रूम है, यहाँ पे भी आपको ये जो है केबिन लैंप वो भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके थर्ड रूम में, और थर्ड रूम को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ इसके थर्ड रूम में, और यहाँ पे आप इसके थर्ड रूम को भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है, लॉक लीवर जो है वो देखने को मिल जाएगा।
और अगर इसके सीट्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो है आप इसके सीट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके का सीटिंग जो कंफर्ट है वो देखने को मिल जाता है, और अगर आप चाहो तो पीछे चार लोग आराम से बैठ सकते हो। और आप देख सकते हो इसमें जो रेयर प्रोफाइल है थर्ड रो जो है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया है, और यहाँ पे आपको दो स्पीकर जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ये जो है पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, ये सब जो है शोरूम के थ्रू जो है लगाया गया है इस वेरियंट के अंदर। और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स वगैरह जो है वो भी मिल जाएंगे देखने को। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट में और देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको कौन सा इंजन मिलता है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट में, और यहाँ पे आप इसके बोनेट को देख सकते हो। इसके अंदर जो है आपको इस प्राइस सेगमेंट के अंदर भी जो है हाइड्रोलिक वगैरह मिल जाता है, तो ये जो है काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी अच्छा फीचर है। और अगर आप इसके ऊपर वाले भी SUV वगैरह में जाते हो तो ये फीचर जो है वो देखने को नहीं मिलता है, तो ये जो है काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पे आप इसके इंजन को चेकआउट कर सकते हो, और एग्जैक्ट इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है वो जो है अपने डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। ये 2.2 लीटर का Yamaha डीजल इंजन है। इसके अलावा जो है आपको एक 120 PS वाला भी वेरियंट जो है वो मिल जाएगा, जो कि 120 PS की जो पावर है वो प्रोड्यूस करता है। ये जो है 140 PS की पावर जो है प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी फिटिंग वगैरह किस तरीके की है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम इसके बोनेट को कर देते हैं बंद और एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग वगैरह जो है वो क्या होने वाली है। प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो वो जो है अपने डिस्प्ले पे आप चेकआउट कर सकते हो। ये जो है एक शोरूम प्राइस है। और अगर आप वीडियो को धनबाद से देख रहे हो, झारखंड से देख रहे हो, इस स्कॉर्पियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है, बुकिंग करना चाहते हो या टेस्ट ड्राइव करना चाहते हो, टेस्ट ड्राइव करने की क्या जरूरत है यार, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर SUV है। तो अगर इसे आप बुक करना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, शोरूम पे आके देखना भी चाहते हो, तो आप मॉडल फ्यूल महिंद्रा को धनबाद को जो है संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर वगैरह मिल जाएगा, और आपके डिस्प्ले पे भी एक नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है, तो वहाँ से आप नंबर लेके शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से अगर वीडियो आपको पसंद आई है यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। धन्यवाद।